दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी ललितपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है बंट गांव। बंट गांव में हम आए हैं। यहां पर एक बुनकर परिवार है जिन्हें चंदेल भी कहा जाता है, वो यहां पर मूर्ति निर्माण करते हैं और ऐसी मूर्तियां जो देखने में ऐसी लगे जैसे साक्षात हों। दूसरी चीज, यहाँ की मूर्तियाँ जो है वो राजस्थान जाती हैं और वहाँ से फिर पूरे देश में बेची जाती हैं। ललितपुर जिले में ऐसी मूर्तियाँ मैंने कभी नहीं देखी बनते हुए, पहली बार देखे हैं। इनकी जैसी जानकारी मिली हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ की मूर्तियों के बारे में हम खुद चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी मूर्तियाँ हैं और ये लोग कैसे काम करते हैं। ये चलते हैं। दोस्तों ये दुर्गा जी की मूर्ति है, पूरी पत्थर में तराशी हुई मूर्ति है, सिंगल कट भी इस मूर्ति में नहीं है। और इसकी मूर्ति की जो ऊंचाई होगी तकरीबन 4.5 फुट से ऊपर की मूर्ति है और चौड़ाई की बात करेंगे तो 3.5 फुट करीबन इसकी चौड़ाई होगी। और ये 5x4 बता रहे हैं, तो 5x4 ये मूर्ति है और आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मूर्ति बनाई गई है। बिल्कुल ये कहें कि एक जीवन देने के उसके अंदर एक आत्मा जैसी विराजमान हो जाती है और जैसे साक्षात जो दिखाई देती है वैसी मूर्ति दिखाई दे रही है। आइए इनकी फैक्ट्री में चलते हैं, फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है। ये हरनाम जी हैं, उनके सुपुत्र का नाम है ओम प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी हैं। तीनों बाप बेटा दो जो काम करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे तराशते हैं इसको और पूरी ऐसे ही बनाते हैं, इसी तरीके से तराशते हो बनाते हैं। अब सर क्या नाम आपका? हरनाम। हरनाम जी, कितना समय लगता है एक मूर्ति तैयार करने में? नक्शा कैसे दिमाग में रहता है? वो तो पहले आर्ट शुरू से हाथी हम तो आर्ट। अच्छा, शुरू से आदत रहे तो मैं बना लेते। हाँ, बना लेते हैं। फिर हमने अपने बच्चा को सिखाया, दोनों बच्चों को सिखाया। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी कब से मूर्तियां बना रहे हैं? ये मूर्तियों को तो मतलब अभी 5-6 साल हुई है। 5-6 साल। हाँ। कितनी मूर्तियां बना चुके? अब बस ये गांव देहात के हिसाब से जैसे जो ऑर्डर आते हैं उसी के हिसाब से बनाते जाते हैं। और कुछ बाहर मूर्तियां सप्लाई की हैं राजस्थान तरफ? हाँ, गई है ना, वहाँ पे भी गई है। वहाँ पे भी गई है। दो मूर्तियां गई। स्टेचू वगैरह है जैसे जो कोई जैसे मनुष्य बोलता है कि हमारे दादाजी की बना दो या माताजी की बना दो, स्टेचू तो अपन उसी की तरफ से मतलब तैयार कर देते हैं। मतलब आप किसी भी व्यक्ति की हूबरू तस्वीर, मतलब जो तस्वीर दिख रही वैसी आप मूर्ति बना सकते हैं? वैसे ही बनाते हैं। किसी के स्टेचू बनने हैं चाहे वो अपने कोई शहीद हो या वैसे हैं, सबकी बना देते, सबकी बना देते हैं। एक मूर्ति बनाने में जैसे आप भैया बता रहे कितना समय लग जाता है? अब वो तो सारी के साइज के हिसाब से। अच्छा, जो आपने दुर्गा जी की मूर्ति बनाई है इसमें कितना समय लगा? अब उसमें कम से कम साढ़े तीन महीने लग गए। 3.5 महीने लगे। हाँ। कितनी कॉस्ट है इस मूर्ति की? अब उनको तो यही है मतलब 61,000 के लगभग। 61,000 के लगभग में। तो ये कहाँ जा रही मूर्ति? अपनी ये यहाँ पे जा रही है सीरोन के पास। सीरोन? यही ललितपुर में सीरोन कला में, जखोरा के पास सीरोन कला में लिया। मतलब जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें अब मूर्तियां ऐसी जा रही हैं। और जो अभी राजस्थान से आती वो किस टाइप की मूर्तियां होती हैं? अब वो भी वो मतलब वो मार्बल की आती है। जो सबसे प्राचीन जितनी भी प्राचीन मूर्ति मिलेंगी तो अपने इसी पत्थर में मिलेंगी, मार्बल की नहीं मिलेंगी, केवल इसी पत्थर की मिलेगी। जितनी भी प्राचीन मूर्तियां हैं सब सैंडस्टोन की बनाई जाती हैं और वो हैं यहाँ पर। जितनी भी आप खासतौर से ललितपुर क्षेत्र की बात करें, अब तो चलन चल गया था एक तरफ से कि राजस्थान से मूर्तियां मंगाते हैं लोग और उन्हें स्थापित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह है कि आप जितनी भी पुरानी मूर्तियां उठा लीजिए सब मूर्तियां सैंडस्टोन के पत्थर में तराशी हुई हैं और वो स्थापित है। ललितपुर तो वैसे ही पर्यटन को लेके जाना जाता है, कई पुरानी मूर्तियां भी यहाँ पर हैं, कई डिजाइने भी आपके लिए देखने को मिलेगी पुरातत्व के हिसाब से। आइए चलते हैं और कुछ इनके भैया जो बैठे हैं इनका नाम है ओम प्रकाश जी से चर्चा करते हैं। ओम प्रकाश जी क्या चल रहा है? पेंटिंग चल रही है। कौन पेंटिंग चल रही है? अच्छा, इसमें कलर करने में कितना समय लगता है? किस प्रकार का कलर होता है?
इसमें अपने लाइट बना के कलर इसमें लगाया जाता है जिससे मूर्ति अलग से दिखती है अपनी। अच्छा, और सब लाइट कलर? हाँ, लाइट कलर। कौन सी कंपनी के होते हैं उसके, कोई ब्रांड के ऐसे? हाँ, ब्रांड के होते ना, एशियन का लगा रहे हैं इसमें। जो ये उखड़े का नहीं कलर? नहीं, ये 10 साल के लगभग नहीं होता। उसका फिर पेंट करा सकते हैं? हाँ, पेंट भी करा सकते हैं उसको। यार छाव में रखा जाए तो कई साल चलता है। आप कब से कर रहे हैं सब ये? सब हम 5-6 साल से कर रहे हैं। सीखे कहाँ पर? ये हमारे पापा जी हैं। अच्छा, पापा जी ने ही सब कुछ सिखाया? पापा ही आपके गुरु हो गए? हाँ, वही हमारे गुरु हैं। अच्छा, घर का खर्चा पानी और कैसे चलता है इसके अलावा? बस ये चलता है अपना सब कुछ। ये जमीन कुछ नहीं चलती है। तो जो सिंगल पत्थर में बने हैं क्या अलग अलग है? ये सिंगल पत्थर में। अच्छा, जी जो आपने बनाया ये काले पत्थर में ही है कि इन पे कलर किया है? इन पे कलर किया गया है। अच्छा अच्छा, काले पत्थर में नहीं है अपना, यही है सैंडल, यही सैंडस्टोन। तो जैसे बोलता है वैसा ही करना पड़ता है। तो अभी कहाँ कहाँ सप्लाई चल रही कुछ पता है? जा रहे हैं ना ये सब, कहाँ ऑर्डर आए? और ये जैसे ललितपुर का है वो, और वो है वो ये भी है। अच्छा, जो आप लोग बनाते हैं तो ये कहें कि कब ऑर्डर आता? जब ही बनाते हैं। हाँ, वो ऑर्डर वैसे नहीं बना के रखते हैं। तो पत्थर कहाँ से आता है सब इसके लिए? ये बाहर से मंगवाते हैं, अपने इधर खदान बंद है इसलिए बाहर से लाते हैं। तो देखिए, खदानों के बंद होने के कारण जो मिस्त्री हैं उनके लिए पत्थर बाहर से मंगाना पड़ता है, और ये लोग बहुत शानदार मूर्तियां बना रहे हैं, खासतौर से देवी देवताओं की, और बिल्कुल ऐसी जीवित मूर्तियां जिसमें ये लगता है कि वो बिल्कुल वास्तविकता में है। ऐसी मूर्ति यहाँ पर बनाई जा रही है। देखिए, शंकर जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, आपके लिए नंदी बाबा भी बैठे हैं, और इनके हथियार हैं ये हथौड़ा, छेनी। देखिए, कोविड के चक्कर में मास्क भी रखे हैं, थोड़ा छेनी है, इन्हीं सबसे बनाते हैं, कटर हैं, और काम करते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों को भी खासतौर से जो मूर्तियां स्थापित करने चाहते हैं मंदिर के लेके, या जो अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनवाना चाहते हैं, उनके लिए ललितपुर में ही व्यवस्था है। बंट के गांव में आइए आप, और वहां पर जो ओम प्रकाश जी हैं, हरनाम जी हैं, उनसे मिलिए, वेद प्रकाश जी उनसे मिलिए, और मूर्तियां बनाइए। कम रेट में अच्छी मूर्तियां यहां पर मिल सकती है। वो कलाकार है जो बुंदेलखंड के हैं, वो बुंदेलखंड के ललितपुर के कलाकार हैं। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है, और हमारे ललितपुर से बनी मूर्तियां देश दुनिया में जाए, देश दुनिया में बिके, और वहां पर ललितपुर का नाम रोशन करती हुई नजर आए। ऐसी किसी नए सक्सेस के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, और आपको बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है, और कैसे ये अपने जिले का नाम रोशन कर रहा है, अपने घर का नाम रोशन कर रहा है, अपनी समाज का नाम रोशन कर रहा है, और अपनी कला को बचाए हुए। जय हिंद, जय भारत।